हेलो दोस्तों, अभी आ रहा है 26 जनवरी। उसके लिए हम बनाएंगे गजरा, इको फ्रेंडली गजरा। कभी कभी क्या होता है, फूल मिलते नहीं हैं, तो उसके लिए ये एक आइडिया मिला है। ये टिश्यू पेपर बैग्स होती है, नहीं तो ये पॉलीथीन बैग्स। ऐसे मैंने 4 कलर में लिया है जो फ्लैग में होता है, ऑरेंज, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन। तो चलिए बनाते हैं इको फ्रेंडली गजरा। और ये ऐसा लोकर का धागा है, आपको जो कलर अच्छा लगे, वो मैंने ऑरेंज कलर का लिया है ऐसे। और ये ऐसा 3.5 x 3 इंचेस का मैंने ये कार्डबोर्ड पर बॉक्स बना लिया है। उसको अब कट करके दिखाते हैं। ये ऐसा कट हो गया है। अभी इस कार्ड के माप से हम पॉलीथिन्स का काट लेते हैं। ये ऐसे कट करके अच्छे से इसे रख लो, फिर ऐसे मार्किंग कर लेना। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लो, तीनों पन्ने एक साथ। इसे काट देंगे एक साइज सा। ऐसे ही हमें सभी थैलियों का काट लेना है एक साइज का। ये ग्रीन, इसका भी ऐसा साइड्स का कट कर लेंगे पहले। कट कर लेते हैं। ये दोनों काट के हो गए हैं। अभी वैसे ही ये ब्लू और व्हाइट का भी मैं काट लेती हूँ। ऐसा कार्डबोर्ड रख के स्क्वेयर्स काट लेंगे सब। तो अभी हमें इन सब स्क्वेयर्स को ऐसे फ्लावर की पंखुड़ी होती है ना, वैसे शेप में थोड़ा सा ऐसा कट कर लेना है इससे ऐसे। फिर आगे भी ऐसा ऐसा। पहले से ये स्क्वेयर्स को, ऐसे 2 स्क्वेयर लिए मैंने, इनको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ये रख दो और ऐसे पकड़ के इस तरीके से शेप में काट लेना है। थोड़ा सा पूरा नहीं कटना है, ये बीच का इतना रहने देना है। ऊपर से इसे कट कर लेंगे। ऐसे पूरा नहीं काटना है, बीच में से ऐसे रहने देना है जॉइंट ऐसे। ये पंखुड़िया थोड़ा और बीच में काटेंगे तो भी चलेगा ऐसा। ऐसे सब काट लेंगे अभी। ऐसे करके ऐसे सभी को पंखुड़ियों का शेप दे देना है।
इस साइड से पूरा नहीं कटना है, यहाँ तक और यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पर। दादाजी में दुकान तैयार करते हैं। कट हो गया है ये शेप में, वैसे ही इस वाइट बैग को भी ऐसे कट कर लेंगे। पंखुड़ी के शेप में सभी पेपर्स कट कर लेना है। इस तरह से दोनों तरफ से कट कर लेंगे। ये सभी काट के हो गए हैं, अभी इनको ऐसे फूल जैसा बना लेना है, एक एक करके ऐसे जमा करें और इसको ऐसे धागे से बांध देना, ऐसे ऐसे सब फूल बना लेते हैं अभी। इस तरह से फूल तैयार, इस तरह से सभी फूल तैयार कर लेंगे। अभी ये ऐसे फूल बना लो, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट भी हम इनको ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ऐसे धागा लेना है और ऐसे इसके अंदर से ये फूल ऐसे निकाल लेना है। और एक बार डाल लेना है ऐसे में, फिर निकलेगा नहीं। इस तरीके से ये गजरा तैयार है, अपना इको फ्रेंडली गजरा इन फ्लैग कलर फॉर 20।